प्रोसिमंस चैनल। एस के लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका एस के लाइव में। और फिलहाल जो महाकवरेज चल रही है एस के लाइव पर सिलीगुड़ी कॉरपोरेशन इलेक्शन को लेकर, उसी के तहत हमारे साथ स्टूडियो में एक्सक्लूसिवली मौजूद हैं एक नंबर वार्ड से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं मकसूदन सानी जी। बहुत बहुत स्वागत है मकसूदन जी आपका एस के लाइव में। आपका भी स्वागत, नमस्कार है। मकसूदन जी, मैं सीधे आपसे जो सवाल करना चाहूँगा, एक नंबर वार्ड, आम लोगों के साथ जो हमने बात की, हमारी पूरी टीम पहुँची हुई थी एक नंबर वार्ड में, बड़ी सारी तकलीफें हैं लोगों को, बड़ी सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं वहाँ के लोग, बेसिक जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से, आम वोटर के हिसाब से, उम्मीदवार नहीं, किसी पार्टी के प्रतिनिधि के हिसाब से नहीं, आम वोटर के हिसाब से आपको क्या लगता है कौन सी पांच बड़ी समस्याएं हैं एक नंबर वार्ड की? देखिए, समस्या तो गिनाने से तो एक पहाड़ खड़ा हो जाएगा, लेकिन समस्या सबसे बेसिक समस्या जो रहा है जी, और पिछले जो 6-7 साल से वो सबसे बड़ा समस्या रहा है, जो हम लोगों को जो निचले बस्ती में जो पानी जमने का समस्या, और जहाँ जहाँ कच्चा रोड है, रास्ता छोटे छोटे जो रोड है, जो लोग घर में जाते हैं, पॉकेट रोड जी, वो सब आज तक कच्चे हैं, और कहीं पर गड्ढा है करीब करीब 1-1 फीट का, कहीं पर ऐसे ईटा लगा हुआ है, कभी जिसका घर का आंगन में पड़ता है वो थोड़ा मट्टी डाल दिए हैं, इसी तरह से घिसा पिटा चल रहा है। लेकिन बारिश के दिन में होता क्या है, जब बारिश होते तो बारिश का पानी ड्रेन नहीं है जी, रास्ता नहीं है जी, तो वो बारिश का पानी तो एक जगह घर से होकर के तो फिर सड़क पर ही तो जमा हो जाते हैं ना, और सड़क पर जमा होने के कारण क्या होता है, जो लोगों को कपड़ा उठा करके जाना होता है, बहुत सारा चीज़ है जो रिक्स है ले जाना, पानी अब फ्लोवर होते होते धीरे धीरे वो बरंदा से घर के भीतर आ जाता, बहुत तरह का चीज़ डैमेज। अभी क्या है, सब समस्या है रहा है, और सबसे निचला इलाका में आज तक वो सब वर्षों से रास्ता को मांग करते जा रहे हैं, नापते जा रहे हैं, काउंसिलर बन के उसका लोग आते हैं, नाप के ले जाते हैं, कोई कुछ नहीं होता है, आज होगा कल होगा अगला साल पास हो जाएगा, ऐसा करके ये सब मैनेजमेंट लगाते हैं, लोग जरूर आवाज़ उठाते हैं एरिया के लोग, लेकिन जाते भी हैं ये लोग, खाली नाप जोख करके नौटंगी करके उन लोगों को काम नहीं करते, जस का तस पड़ा हुआ। ये समस्या रहा है, पीने के पानी का समस्या रहा है, जहाँ पर मान लिया जाए ये पानी का पॉइंट होना चाहिए जी, सही जगह में, जहाँ पर 20-50 आदमी को घर का पानी पीना चाहिए। अब सप्लाई का पानी तो सबको ही चाहिए, क्योंकि पानी जीवन है बोला जाता है, सही बात है जी, ठीक है, क्योंकि 70% पानी इंसान के इसमें रहता है शरीर में, तो अभी मान लीजिए पानी की समस्या है, साफ ड्रेनेज की समस्या, पेयजल की समस्या, और कौन सी समस्या, रास्ता की जो मुख्य रोड है जी, वार्ड के जो मुख्य रोड है जी, हिलका रोड से जुड़ा हुआ, आनंदोलोक से निकला हुआ, एकदम सीधा ठोकर तक जाने के लिए जो मुख्य रोड है जी, वो मुख्य रोड आज तक नहीं बना है। अच्छा, खाली ऊपर ऊपर से रिपेयरिंग होकर थोड़ा पूजा के समय में वो भी, और इतना जाने में आपको दिक्कत होगा, सबसे बड़ा बात है जो रेलवे का जो फ्लाई ओवर है नीचे, उसमें बहुत 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 पानी रहता है, एक ठेला पानी जो है। आपकी जो पुरानी पार्षद साहिबा थी वो तो बता रही थी कि उन्होंने बड़ा काम किया है। देखिए, काम क्या किया है ये सभी लोग जानते हैं, अगर वो काम किए होते तो रनिंग काउंसिलर वहीं से खड़ा होकर जीतते, वो 46 में गए, वहीं से खड़ा होते ना, क्यों गए उधर, 46 में तो नॉमिनेशन कैंसिल भी कैंसिल हो गया, ठीक है, तो वहीं से जीते, या नहीं तो मान लीजिए पार्टी जिसको सेलेक्ट किया उसको समर्थन करते आके प्रचार प्रसार कर देते जी, अगर आपका अंदर में आप काम नहीं किए तब तो आप आउट ऑफ रेंज हो गए। तो एक बात बताइए, बतौर आप तो विपक्ष में रहे पहले भी, जब भाजपा से पार्षद थी तो उस वक्त आप लोग विपक्ष ही थे, तो विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष का भी ये काम होता है कि जनता की जो तमाम समस्याएं हैं उन तमाम समस्याओं को सामने लेकर आए,
कितना आप खुद को 10 में कितना मार्क्स देंगे, जनता की समस्याओं को आप प्रशासन के सामने लेके आने में कितने सफल रहे या असफल रहे, 10 में कितना मार्क्स देंगे खुद को? हम सफल रहे हैं और 10 में मान लिया जाए हम 60% मार्क्स हम लोग लेंगे, इसीलिए कि हम लोग लगातार 2009 से 2014 तक जो काम किए, उसके बाद 2014 के बाद जो बीजेपी का हाथ में जो संचालन गया, जाने के बाद में जो स्थिति हुआ, इस स्थिति में ये स्थिति सभी वहाँ के लोग जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं जो क्या हुआ है, क्या किया है उन्होंने। वो इतने बड़े मतलब वहाँ पर कुछ नहीं किए, और उस एरिया में आप पता कीजिए, पूरा एरिया में आप घूम घूम के पता कीजिए जे उन्होंने कभी लोगों के साथ मिले नहीं, लोगों को क्या समस्या है, कभी इंदिरा विकास घर नहीं दिए, और दिए भी है तो मुख चीन करके एक दो दिए हैं, उसके भीतर में उसमें भी गोलमाल है, ये पक्का मैं बोल रहा हूँ। आपका चैनल के माध्यम से मैं सभी जनता को एक नंबर वार्ड के वासी को कहना चाहता हूँ जे आप जागिए और ऐसा एक उम्मीदवार को चुनिए। फिलहाल तो आप पहले सबसे पहले आपने आरोप लगाया कि इंदिरा आवास उन लोगों को मिला है जो अपनी ही पार्टी के थे, अपने ही चाहते लोग थे। और इसमें भी कुछ गड़बड़ है। अब हम यहाँ पर तो खोल करके किसी को बोल नहीं सकते हैं। अभी सवाल एक ये आ गया है जो उन लोगों जो काम किया है, इतना जटिल टेढ़ा मेढ़ा परिस्थिति बना के गया है जो मैंने मान लीजिए टेढ़ी मेढ़ी ही परिस्थितियां हैं एक नंबर वार्ड की। अगर जनता अपना रुझान जो है, अपना प्यार जो है वो देती है आपको, कांग्रेस को, मकसूदन सानी को, कौन से पहले 5 काम करना चाहेंगे? हम सबसे पहला नंबर काम करना चाहेंगे जे जितना भी हम लोग कच्ची रोड है सब में जहाँ पर टाइल्स की जरूरत है वहाँ टाइल्स लगवाएंगे, जहाँ ढलाई की जरूरत है वहाँ ढलाई करवाएंगे, रास्ता के साथ विथ मिनी ड्रेन की जरूरत है मिनी ड्रेन करवाएंगे, पानी निकासी की व्यवस्था पहले कराएंगे ताकि लोगों को जाने आने के कितने दिन के अंदर, कम से कम समय तो लगेगा। अभी तो मान लिया जाए हम लोग को बोर्ड मीटिंग होता है महीना, क्योंकि अभी तो आम लोगों के पास जो भी लोग आएंगे, दादा मैं खुद गया, मैं 46 नंबर वार्ड में था, एक नंबर वार्ड में था, मुझे खुद अपने कपड़े मोड़ कर जूते खोल कर पानी में उतरना पड़ा, वहां के लोगों का दर्द मैं समझता हूँ। तमाम जो भी नेता है, अलग अलग दल के जो तमाम नेता है, वो तो अभी सारे के सारे वही वादे करेंगे ना, ये बताइए कितने दिन में करेंगे अगर लोग प्यार देती है? अगर हम कांग्रेस के लोग समर्थन करती है तो कांग्रेस के काम भी जानती है, हम लोग 2-3 साल के अंदर में ये जो सारा समस्या है हम लोग पहले ये समस्या को दूर करेंगे। चिमनी की समस्या, ये जो डस्ट जो आता है रास्ता की, मुख्य रोड की समस्या, और हम लोग एडजस्ट करेंगे जो पीने का पानी हर घर में पहुंच जाए वैसा ऐसा पॉइंट को चेकअप करके डीमार्क करके। साउथ अम्बेडकर कॉलोनी बड़ा वार्ड है क्योंकि डेमोग्राफिकली बहुत बड़ा है, डेमोग्राफिकली बहुत बड़ा है। साउथ अम्बेडकर कॉलोनी के लिए क्या कोई खास आपके पास डायरेक्शन है, कोई दिशा है? क्योंकि साउथ अम्बेडकर कॉलोनी जो है वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, सड़कें नहीं है साहब, वहाँ पे मैंने देखा लोग खुद से मतलब ड्रेन की सफाई कर रहे हैं अपने हाथों से। आप जो 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 देखिएगा ड्रेन को सफाई, सही बात है, कर रहे हैं, और जो जो जमीन खाली है ना, आ कच्चा ड्रेन है ना, उसमें कम से कम 2-4 महीना तक पानी ओवरफ्लो रहते हैं, जबकि पानी रुकने का निकलने की जगह नहीं होता है, और सारा कचरा उस पर रहता है। मैंने घर में अगर खिड़की दर्जा और ये सब नहीं लगा के रखेंगे लोग बीमार पड़ जाएंगे इतना, और देहा डेंगू सरता है ना पानी, सरने के बाद तो मान लीजिए किस तरह का दुर्गंध होता है। हाँ, जमा हुआ पानी, वो तो सबसे जहरीला पानी होता है, आप उसको कोई पैर अगर उसमें रख देगा तो पूरा स्किन खराब हो जाएगा, पूरा शरीर खराब हो जाने हो सकता है उससे। आप देखिए ये सब समस्या बहुत बहुत है, वो थोड़ा निचला इलाका है जरूर, लेकिन अगर ड्रेन बन जाए, अगर 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 बात देखिए सबसे बड़ा बात वहाँ
वह अगर ड्रेनेज सिस्टम वहाँ दुरुस्त होना चाहिए। साउथ अम्बेडकर कॉलोनी का ड्रेनेज सिस्टम जब तक दुरुस्त नहीं होगा तब तक वहाँ के लोगों के लिए समस्या नहीं सुधर सकती, क्योंकि आप रोड बनाएंगे वहाँ पे पानी जमा होगा, वो रोड खराब हो जाएगी। सबसे पहले आपको वहाँ ड्रेनेज सिस्टम को का सुधार करना होगा। उसको चैनल मतलब चैनल बनाना होगा ना रोड को, मतलब ड्रेन को जी आपको कहीं पर देना होगा, उसको मिलाना पड़ेगा। बिल्कुल, आप कहीं पर जाकर के मतलब यहाँ तक जगह है इसके बाद नहीं जाना होगा तो वहां तक रुक तो जाएगा, लेकिन उसको तो आपको आउटलाइन देना होगा। आपको काबिल इंजीनियर्स की जरूरत होगी वहां। तभी जाके सारे इंजीनियर होते हैं, हम लोग लेके जाएंगे उनको, दिखाएंगे जैसे सुविधा होगा जहां तक होगा। हम लोग लोगों से अपील करेंगे, जहां रुकेंगे हम लोग अपील करेंगे भाई वार्ड की सुविधा के लिए ये सब चीज चाहिए। ऐसा बात नहीं है लोग नहीं मानेंगे, जानेंगे करेंगे जरूर। मकसूदन साहनी हम लोगों के पास भी जा रहे होंगे। हाँ, जरूर जा रहे हैं, डोर टू डोर प्रचार कर रहे होंगे। हाँ, लोगों का रुझान, लोगों का प्यार किस तरफ लग रहा है? देखिए, हमको पूरा विश्वास है जो इस बार सभी लोग को देखे हैं, इस बार लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को हाथ छाप में जिता करके हम लोग नगर निगम भेजे, ताकि उस तरह के यदि लोग जाए नगर निगम तो उस एक नंबर वार्ड के जनता को विकास के वहाँ के समस्या के बारे में जी, वहाँ के हर एक छोटे से बड़े से समस्या के बारे में आवाज उठा सके जी। अभी होता क्या है, जब आप आवाज ही नहीं उठाएंगे वहाँ बोर्ड मीटिंग में, मंथली मीटिंग में जी, तो आपको क्या मिलेगा? आप अपना इलाका के लिए, इलाका के 45-50 हजार जनता के लिए आप आवाज उठाइए ना जी, ये आपका कर्तव्य बनता है जी एकदम। और जो मुख्य काम है और जो छोटा काम को भी छोटा नहीं समझ रहे, लोगों का लग रहा है रुझान आपकी तरफ है? हमको लग रहा है इस बार लग कितने, रहा है। कितने कॉन्फिडेंट है आप? हम पूरा कॉन्फिडेंस है, 100% हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि सभी लोग हमको जानते हैं, हम समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं। अच्छा, हम वहाँ पर हर लोग मकसूदन साहनी 100% कॉन्फिडेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जीत हार तो कभी भी किसी को भी होता है, लेकिन हमारा प्यार वैसा ही रहेगा, हम जीते हारे लोगों के अंदर विश्वास वैसा ही रहेगा, हमारा भी विश्वास हिलने वाला नहीं है, हम काम करते रहेंगे। लेकिन एक बात जरूर है, जे जब 2014 के बाद जब बीजेपी आया तो विपक्ष में तृणमूल कांग्रेस थे सर, ऐसा ज्यादा एक अच्छे विपक्ष का हमेशा यही फर्ज होता है, मैं समझता हूँ लोकतंत्र में, कि आम लोगों की जो तमाम समस्याएं हैं उन समस्याओं की तरफ जो सत्ताधारी लोग हैं, जो सत्ताधारी पार्टी है, जो सत्ताधारी नेताजी लोग हैं, उन लोगों का ध्यान कम से कम आकर्षित करवा देगी। हाँ। देख लो भाई, लोगों की ये समस्या है। हाँ। हर विपक्ष का हाँ। यही काम है, हर विपक्ष का यही उनका जो एक तरह से कहा जाए कि उनका जो काम है यही है, इसीलिए हाँ, पीछे लगाना पड़ेगा भैया। आप लगे नहीं है तब तो काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ लगे हैं तो बिल्कुल। आप 2500-2800 वोट ले लिए जनता से, जे हम आएंगे। अभी मान ले सभी लोग इधर से उधर चल जाते हैं, बदल जाते हैं, अभी मान ले सब कुछ पाने के लिए। एक बात लेकिन और इस बार है वार्ड चुनाव में कि इससे पहले बहुत बड़े समय से ये हो रहा है कि वाम फ्रंट और कांग्रेस जो है वो मिलकर एक साथ एक कैंडिडेट देती थी, और आपके जो अंतिम दिलीप राय जी 2009 में चुनकर आए थे पार्षद बतौर, उसी तरह से रहे। तो अभी क्या है कि आरएसपी ने अलग कैंडिडेट दे दिया है, कांग्रेस की तरफ से अलग कैंडिडेट है, तो लोगों में ऐसा तो नहीं है कि कहीं कोई कंफ्यूजन? देखिए, विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव में दिए थे मिल करके, लेकिन ये नगर निगम के चुनाव में अभी तक नहीं दिए हैं। एक नंबर वार्ड से आरएसपी के साथ में कांग्रेस को कभी ऐसा नहीं हुआ, गठबंधन हुआ जी, कभी नहीं हुआ है जी। बातचीत होता है जी, वो भी वाम फ्रंट के साथ, सीपीएम के साथ जी, हमारे जिला नेतृत्व जो बैठते हैं जी, समझे, उनके साथ हो। ये तो घटक दल हुए, तो इनका दो पोता है उसमें जी, तो दो पोता है, दो सीट है, एक सीट तो अभी चलाएगी। लोगों का क्या है, लोग कंफ्यूज तो नहीं है इन चीजों? नहीं, कंफ्यूज नहीं, क्लियर किया हुआ है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। उसका भी उम्मीदवार है, हम भी स्पष्ट हैं लोग। हाँ, एकदम स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। वो अपना उम्मीदवार दिए हैं, कांग्रेस अपना उम्मीदवार दिए हैं, उम्मीदवार के रूप में हम हैं। और आपको लगता है कि आप 100% कॉन्फिडेंट हैं? हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो जनता जानते हैं। जो लोग, देखिए सबसे बड़ा बात है, जो लोग देखिए, ये एक्चुअली में लड़ाई तो ये इलेक्शन
लड़ाई नहीं, मैं तो समझता हूँ कि लड़ाई नहीं बल्कि ये लोकतंत्र का महापर्व है। पर्व भी है। लड़ाई तो असली 5 साल हुआ है नगर निगम में। आप कितना आप आवाज उठा सकते हैं आम लोगों के लिए? हाँ, एक नंबर वार्ड की समस्या के लिए, आम लोगों के लिए, हर कुछ के लिए, बिल्कुल हर जो सुविधा है, सभी सुविधा, लेडीज के लिए हो, युवा के लिए हो, या काम की बात हो, या किसी को पेंशन की बात हो, विधवा पेंशन की बात हो, या घर के बात हो, या रास्ता घाट के बात हो, या ड्रेन के बात हो, या लाइट पोस्ट अंधकार गली के बात हो, आपको सभी पहलू पर देना। आदमी को आज क्या चाहिए? आज आपका वह चकाचक नहीं है, हर जगह समस्या है। कुछ आम लोगों को साहब, आम लोगों को रोटी कपड़ा मकान अच्छा स्वास्थ्य अच्छी शिक्षा चाहिए, सबसे पहले यही चाहिए। उसके बाद हमने जो बात की लोगों से, उसके बाद आम लोगों को जो चाहिए कि जितने तमाम राज्य सरकार के, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उन तमाम योजनाओं का फायदा मिले। हाँ, और तीनों फायदा मिले, हम चाहते तीनों फायदा मिले, केंद्र सरकार को भी फायदा मिले, राज्य सरकार को, कॉर्पोरेशन को, नगर निगम को भी फायदा मिले, नगर निगम की तरफ से भी अगर तमाम सुविधाएं मिलती हैं, वो तमाम सुविधाएं, अगर तीन फायदा दिया जाए तो आदमी को कोई कंप्लेन नहीं रहेगा आने वाला दिन में। अगर एक आदमी को तीन फायदा दिया जाए, मान कर चलिए, तो देखिए जो सरकार चल रही है, जो बेसिक नीड्स हैं, जो बेसिक जरूरतें हैं, वो आदमी की पूरी हो सके, पूरी हो सकती है क्या? होएगी। और ये तभी संभव होगा जब काउंसिलर जो है, वार्ड पार्षद जो है, वो लोगों के साथ मिले, उनके साथ रहे, उनके पास जाए, उनसे बात करें, उनके समस्याओं को सुने, समझे, देखें। आपका चैनल के माध्यम से डायरेक्ट कहना चाहते हैं, जीतने का आगे तो सभी हाथ जोड़ के वोट मांगेंगे, बहुत तरीका का मांगेंगे, ठीक है, हम भी जाएंगे आपके पास, बड़े छोटा का प्रणाम करने में तो आशीर्वाद होता है, ब्लेसिंग मिलता ही है। हम चाहते हैं जे जीतने के बाद, हारने का आगे, मतलब जीतने का आगे तो सभी जाते हैं, हम जीतने के बाद हर घर को नज़दीक से देखना चाहते हैं, हर दुख, लोग जो 5 साल से कच्चे घर में रह रहे हैं या 20 साल से रह रहे हैं, समझे, उनको भी समझना पड़ेगा। आप जानते हैं कि ये जो ये 2-3 साल में जो परिस्थिति हुआ है, लॉकडाउन जो ये कोरोना वायरस जो हुआ है, और इस हिसाब से जो लोगों को काम छूट गया है, आधा आधा सैलरी में लोग एकदम पेट काट के किसी तरह लोग अपना जीवन यापन किए हैं। वार्ड में हमारा वार्ड थोड़ा सा जरूर पिछड़ा हुआ है, समझे, लेकिन वहाँ पर मजदूर, ईमानदार, गरीब लोग, मेहनती लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं। और हमारा वार्ड में सबसे बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, सिलीगुड़ी जंक्शन एक नंबर वार्ड में, बस स्टैंड एक नंबर वार्ड में, बड़ा बड़ा दफ्तर ऑफिस एक नंबर वार्ड में, फिर भी हमारे नौजवान, हमारे पढ़े लिखे लोग ऐसे बैठे हुए हैं। उन लोगों के लिए आप इस तरफ ध्यान देंगे अगर आप बतौर पार्षद आते हैं? जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे, हम तो चाहते ही जो सबको लेके काम करेंगे, नौजवान को बेसिक तौर पर रखेंगे, जो वृद्धा लोग हैं, जो एजेंट लोग हैं, उन लोगों को सम्मान दे करके, उन लोगों को राय मशवरा ले करके, और लोगों को जो एरिया प्रति जो आवाज़ है, उनको वो विकास का आवाज़ को ही लेकर के विकास को कार्य पूरा करना होगा। चलिए, विकास का कार्य पूरा करेंगे मकसूदन सानी, ऐसा कहना है उनका, तो बहुत बहुत धन्यवाद मकसूदन जी, आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के लाइव को दिया, हमारे तमाम दर्शकों को दिया। अंत में दो शब्द तमाम उन लोगों को जो एक नंबर वार्ड के दर्शक इस वक्त टीवी, फेसबुक पर, यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप एक सटीक उम्मीदवार को चुन के लाइए और एक नंबर वार्ड को एक अच्छा काउंसिलर दीजिए। आने वाले 22 तारीख को नगर निगम चुनाव होने जा रहा है और आप लोगों को हमारे ये नया साल के पावन अवसर पर 2022 को आप लोग स्वस्थ रहे, शांत रहे, कोई भी परिस्थिति आ सकता है उसमें आप लोग शांत रहे और स्वस्थ रहे, मास्क पहन के रहे और भीड़ भाड़ से बचे रहे, और संक्रमित जहाँ जहाँ होने के चांस है वहाँ से थोड़ा दूर हट के रहें, और आप स्वस्थ रहेंगे तो आप किसी को मदद कर सकते हैं। ये हमारा आज के ये आपका चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। सबसे पहले स्वस्थ रहिए, वोट करने ज़रूर जाइए, यही कहना था मकसूदन जी का, और हमारा भी यही कहना है कि स्वस्थ रहिए, उसके बाद अपने लोगों के साथ मस्त रहिए, जितनी ज़रूरत हो तभी आप घर से निकलिए, बाहर जाइए,
अगर कोई खास जरूरत नहीं है तो घर में रहने की कोशिश कीजिए, सरकारी जो गाइडलाइंस हैं कोविड के उन गाइडलाइंस का पालन कीजिए। यही कहना था हमारा भी, मकसूदन जी का भी, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका मकसूदन जी, आपने अपना समय निकाला, इसके लाइव को दिया। इसी तरह से तमाम जो उम्मीदवार हैं, किस तरह की सोच रख रहे हैं, किस दिशा में, किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं आपके वार्ड को, ये खास कवरेज इसके लाइव पर इसी तरह से चलती रहेगी। बने रहिए, देखते रहिए इसके लाइव। धन्यवाद। दिस इज द मेम्ब्रेन डोर मेड विथ अ ब्लॉक बोर्ड, 2,000 rupees फॉर अ जनरल डोर साइज पर पीस। दिस इज अ WPC फ्लोरिंग, यू हैव द लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग, AC4 ग्रेड, AC5 ग्रेड अवेलेबल विथ अस, द PVC फ्लोरिंग, दिस इज वन डे वर्क फॉर वन रूम, दिस आर द वुडन लैमिनेट फ्लोरिंग, स्टार्टिंग रेंज इज 65 rupees पर स्क्वायर फुट। 7 कॉन्सेप्ट प्रणामी मंदिर रोड, 9434040400। घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है, गेस्ट की नज़र फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि, इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम, सत्यम प्लाजा नियर भक्ति नगर चेक पोस्ट सेवक रोड सिलीगुड़ी, फोन 9564130130। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम, घर दुकान मकान गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd mile वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड, कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। सपनों से भी सुंदर घर हो अपना, PRM बेगराज पूरा करेगा सपना। जी हाँ, सिलीगुड़ी का सबसे बड़ा आवासीय, जहाँ मौसम खुशनुमा, पहुँच आसान, सुविधा सभी, फुटबॉल ग्राउंड साथ ही हर खेल और मनोरंजन और बड़ा घर। शहरों के बीच शहर होगा आपका, आनंद विल रागापुर सिलीगुड़ी। PRM और अजय बेगराज ग्रुप, 9735122000। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road, 9434040400। घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है, गेस्ट की नज़र फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि, इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम, सत्यम प्लाजा नियर भक्ति नगर चेक पोस्ट सेवक रोड सिलीगुड़ी, फोन 9564130130। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम, घर दुकान मकान गोदाम। आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और